नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये जो घटना मैं बताने जा रही हूं, ये है बाबरपुर, दिल्ली की बाबरपुर। जैसा कि बाबरों का इलाका लग रहा है, ये दिल्ली में ही है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का इलाका हो गई। ये गोपाल राय आप पार्टी के हैं, उनका उनके उसके उनके क्षेत्र में आता है ये। यहां पर ये हुआ कि एक 17 वर्षीय लड़का, हिंदू लड़का अनिमेश, जिसका नाम बबलू भी था, निकनेम बबलू था जिसका, अनिमेश उर्फ बबलू 17 वर्षीय, ये एक परिवार के हालातों को देखते हुए अपनी स्कूल की पढ़ाई 8वीं के बाद छोड़ देता है और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए, क्योंकि शायद पिताजी नहीं थे इसके और ये एकलौता सहारा था, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये एक फैक्ट्री में काम पकड़ लेता है और अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा होता है। किराए के कमरे में माँ रह रही होती बूढ़ी और एकलौता बेटा होता है, तो वहां महबूब से इसकी जान पहचान होती है और महबूब एक दिन इसे कहता है, यार भाई 5000 रुपए दे दे, मेरी बहन का निकाह है और मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। तो ये जो गरीब लड़का है, ये बेचारे जिसने 100-100 रुपए करके अपने पैसे जोड़े होते, क्योंकि जो भी ये फैक्ट्री से कमाता है ये माँ किराए में, माँ के इलाज में, खाने पीने में लग जाते हैं घर में, ठीक है, तो क्या वो कितना बचा पाता। तो वो बेचारा 100-100 रुपए करके काफी दिनों से बचा रहा था, तो उसके पास 5000 रुपए इकट्ठे थे। उसने कहा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं और देखो तुम लौटा देना, मैं तुम्हारी मुसीबत है इसलिए दे रहा हूं तुम्हें। तो उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बहन का निकाह होगा, अगले महीने की सैलरी से तेरे को दे दूंगा। तो उसने बोला, फिर भी तुम्हारा खर्चा होगा, तुम कैसे दोगे? बोला, चलो 1 महीने में 2 महीने में दे दूंगा। अब 3-4 महीने बीत गए या पता नहीं कितने दिन बीत गए, तो अनिमेश ने कहा, भैया मुझे पैसा चाहिए, वापस दे दो। तो जब उसने दबाव डाला, भैया मैंने तुम पे विश्वास करा, तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, ये वो करके, भाई नाराज हो गई, बच्चा है वो भी तो बच्चा ही है, 17 साल का ही तो बच्चा था वो। तो उसने जिद पकड़ ली, तू मेरा पैसा दो। तो इस महबूब ने कितना कमीनापन करा, देखिए ये लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं, ये किसी के नहीं होते। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, मुस्लिम का बच्चा कभी ना सच्चा, जो सच्चा वो हिंदू का हराम का बच्चा, यानी कि अगर कोई सच्चा मिल गया तो किसी हिंदू का ही बहु बच्चा होगा, मुसलमान का तो हो नहीं सकता। फिर इस लड़के ने क्या करा, उसको किसी और लड़के के जरिए, जैसा कि उसकी माँ बता रही थी, उसको किसी अन्य लड़के के जरिए बुलाया कि भैया तुझे महबूब बुला रहा है, तू आ जा और तेरे को आज पैसे मिल जाएंगे। उसको घर बुलाया, लड़का फटाफट गया तैयार होके और बोला, मम्मी मैं बाद में आके खाना खाऊंगा, मुझे पैसे देने जाना है। फटाफट गया वहां गया तो वो योजना बना के, उसने बोला कहाँ है पैसे, वो योजना बना के बैठा हुआ था। उसने कहा, ठीक है अभी देता हूँ पैसे, और घप 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 उसको 20-30 चाकू के घोप कर दिए, घोप दिया इस तरह से घोपा और इसे मोड़ दिया ताकि वो बच ना पाए। तो इंटेंशन आप समझ सकते हैं, रमजान के नापाक महीने में इस तरह से किसी काफिर को मारना सबाबे जन्नत है, यानी कि जन्नत का जो रास्ता है, रास्ता ए जन्नत सबाबे जन्नत, ये इसने इख्तियार करा, अपनी सुन्नत अपनाई। ये इनके लिए पाक है ना, हमारे लिए तो ना पाक है, दुनिया की गंदगी है। सो दिस इज हाउ दे किल्ड दिस गाय, 17 years old अनिमेश बबलू, whose nickname was बबलू, given 5000 rupees to a Muslim guy working with him in the same factory where he was working. 5000 rupees he has given to Mehboob. Mehboob told after some time he will return this money, but Mehboob was failed to pay back this money in time. Then Animesh asked him, where is my money? So he said, he will give, but he didn't give. After some time, Mehboob sent a guy to his house, and that guy told that today Mehboob is going to give your money. Please come to his house, and he will give you. Mehboob is waiting for you in his house, and he will return your money in his house. So, 17 years old Animesh told his mother that, okay, I'm going there and today Mehboob will return my money and I will come back and bring some of the required items you need for the household and we will pay our rent also. So, believing Mehboob and Mehboob friend who came to call Animesh to take him to Mehboob house, Animesh went with him. And when he went there, Mehboob was already planned his murder. And there he said, okay, today you are going to give my money.
when Animesh asked, he said, yeah, I'll give you the money. The moment Animesh turned this side, from back he came and start stabbing him. There on the spot he died, because after stabbing the knife, he turned the knife like this. So any possibilities of Animesh to survive wouldn't be possible. If somebody turned the knife, if somebody stabbed the knife and then turn it, then the possibility of surviving becomes minus, you know, becomes zero. So that's what Mehboob did. That's a clear intention to kill Animesh. Now I demand justice for Animesh. I demand that Hindu organizations and the organization working, the judiciary also, give the death sentence to this guy. Because if somebody has taken somebody's life, there is no other thing than to take the life of that person who's a culprit, who's taking somebody, an eye for an eye. If that's the case, until unless this will not happen, these things will not stop. They call it a pious month of Ramadan, and they do most of the crime. This community commit most of the crimes during this period only, because they believe, according to their book, they believe this is a way to Jannat, a sabab, and this is their sunnat. You believe or not, you live in denial, but we as Hindu community don't live in denial. When our men are not safe, when our women are getting raped, when our little kids are getting raped, and we are getting robbed by these people. They are doing kind of scams. And whenever these scams happen or these crimes happen, all the judiciary or the administration try to save them, try to play their advocate. This should stop. We are human too. Hindus' life matters too. Until how long we are going to face this? Till how long? I'm going to make these videos and demand justice only on YouTube, only on videos. When the actual justice will be served to Hindus, our Kashmiri people will die, we will be attacked, we will be attacked in Pakistan, we will be attacked in Bangladesh, we will be attacked in every part of the world. But nobody will talk about us, because we are not related to the Abrahamic religions. So anybody who's related to, Abrahamic religions, their life only matters, right? Christian life matters, blah life matters, this life matters, but Hindu's life doesn't matter, because we pray pigeon gods. According to you, we pray statues, we pray stones, or we pray air. It doesn't matter, because we inhale oxygen. We have blood in our veins, and we are living beings too. Our life matters too. Look at the people serving in NASA. Look at the people working in US military. Look at the people. Indian people are everywhere. We are giving you doctors, engineers. We are wherever we are. We pay our taxes. Our kids are spelling B masters. We have given you a lot of businessmen, successful businessmen, who are making your respective countries, Australia, Japan, America, Britain, are all people making your country proud. And then they don't do any favors to India, but they take care of the countries they are living in first, then India. Because we believe wherever we born, that's our motherland. So please, please, this is high time. Hindus are getting killed here, Hindus are getting killed there, Hindus are getting killed everywhere. Racial attack, bioweapon attack, women get raped. Only negative publicity will be telecasted in your channels when it comes to India. But who is the reason behind the actual negativity that's coming from India? Who is actually responsible for them? Which community is that? You will not talk about, because that will be Islamophobia, that will be
अनदर थिंग, यू कॉल इट इस्लामोफोबिया, यू कॉल इट वट एवर इट इज, बट द रियलिटी ऑफ टेररिज्म इज द रिलीजन, द बुक दैट्स किलिंग ऑल द पीपल. दिस इज हाई टाइम वी ऑल नॉन मुस्लिम फेथ शुड कम टूगेदर एंड वी शुड एंड दिस जिहाद. थैंक यू वेरी मच. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब जुडिशरी को ये देना चाहिए कि हमारे लोग सुरक्षित हों और हम कैसे सुरक्षित रहें. इस तरह से हमारे लोग मरते रहेंगे और ये फांसी, इसकी माँ जो फांसी की डिमांड कर रही है, ये फांसी तो उसको होनी चाहिए. लेकिन एक बार बताइए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप कब तक लगे रहेंगे? उसने, महबूब ने तो कोर्ट कचहरी नहीं देखी, उसने तो बुला के मार दिया. तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हैं? हिंदू लोग कहाँ हैं? एक भी ऐसा है जो अनिमेश का बदला ले सके? कोई ऐसा हो सकता है कि रेलवे ट्रैक में कहीं मर गया ये महबूब? रमदान पाक महीना, माई फुट साले सबसे ज्यादा घटिया काम करते हैं, रेप बलात्कार ये सब रमजान का महीना, क्योंकि काफिर की इज्जत लूटना, जिना करना काफिर के साथ, ये सब तो सबाबे जन्नत है. सबाबे जन्नत है ना, जन्नत के लिए रास्ता खोलना. इसी संदेश के साथ कि अपना इंसाफ खुद लेना सीखो, यानी मैं शे रिंकू ये टिंकू सब होते रहेंगे तुम्हारे, तुम नहीं सीख रहे हो. जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम. भगवान क्या मदद करेंगे तुम्हारी जब खुद की मदद करना नहीं जानते.